उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्राचीन मंदिरों का पुनः निर्माण करवाने का फैसला किया है। सूत्रों की माने तो सरकार ने यह फैसला यूपी के धार्मिक धरोहरों को पुनः जीवित करने के उद्देश्य से किया है। योगी सरकार का मानना है कि ऐसा करने से यूपी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और देश दुनिया से लोग यूपी में घूमने आएंगे। अकेले लखनऊ के मंदबीर बाबा लोकेश्वर महादेव मंदिर, मंगलेश्वर धाम और विश्वकर्मा मंदिर में पुनः निर्माण का काम लगभग पूरा हो गया है। आलमबाग के मंदबीर बाबा मंदिर स्थानीय लोगों में काफी लोकप्रिय है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में पर्यटक इस मंदिर की ओर आकर्षित होंगे। यूपी तक से बात करते हुए यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि यहाँ के मंदिर सैकड़ों साल पुराने हैं, लेकिन आज तक इसे देखने वाला कोई नहीं था। मंदिर की हालत काफी जीर्ण हो चुकी थी, लेकिन अब इसका पुनः निर्माण करवाया जा रहा है और चारों तरफ लाइटिंग का भी काम हो रहा है। और काम अभी भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, निर्माण हो रहा है और ये भी पंप हाउस भी बनाया रीता भोगरो जोशी के द्वारा। ये बताइए कि ये काफी पुराना मंदिर है, आप लोग पूजा करते हैं रोज? जी जी, रोजाना पूजा होती है। लेकिन अब ये मंदिर अच्छा बन रहा है तो कितने खुश हैं आप लोग? नहीं, सभी लोग खुश हैं, यहाँ पूरे गांव सभी लोग पूजा करते हैं। यहाँ मंदिर के पुनर्निर्माण से यहाँ के स्थानीय लोग काफी खुश हैं। उनका कहना है कि यहाँ के मंदिर यहाँ की पहचान है और लोग दूर दूर से यहाँ के मंदिर देखने आएंगे। इतना ही नहीं, यहाँ के स्थानीय लोग रोज सुबह यहाँ योग करने भी आते हैं। हाँ, निर्माण शुरू हुआ है, पहले जर्जर था बहुत, मने के पुराना यहाँ आते थे लोग, पहले पुराना मंदिर में पूजा करते थे और लोग अपना अपना घर जाते थे। अब भी लोकेशन बन जाएगा तो इसमें पूरा मने के क्षेत्र का आदमी आना जाना पूजा प्रदान करना शुरू कर देगा। पुरातत्व संस्कृति और पर्यटन विभाग को आदेश जारी कर दिया गया है कि वो तुरंत ऐसे मंदिरों और धार्मिक स्थानों की लिस्ट बनाए जिसका निर्माण 1857 से पहले का है। ऐसे मंदिरों का पुनः निर्माण का काम जल्द से जल्द शुरू करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। इतना ही नहीं, इन मंदिरों तक जाने वाली सभी सड़कों को भी जल्द से जल्द मरम्मत करने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ इन जगहों पर ठहरने, भोजन, बाथरूम, पीने का पानी और दूसरी जरूरी सुविधाओं का इंतजाम भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी प्राचीन मंदिरों को पर्यटक स्थल का स्वरूप दिया जा रहा है और सरकार उन सभी मंदिरों की मरम्मत करा रही है जो प्राचीन है और जर्जर अवस्था में है। हम इस वक्त लखनऊ के एक प्राचीन मंदिर में मौजूद हैं। ये लोकेश्वर महादेव मंदिर है जो कि आलमबाग इलाके में बना हुआ है। 1941 को इस मंदिर की स्थापना हुई थी, हालांकि कई सालों से ये मंदिर जर्जर अवस्था में था। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निर्माण कार्य सरकार द्वारा शुरू की कराए जा चुका है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो पर्यटन विभाग है उसने सभी ज़िलों से सूची मंगवाई है प्राचीन मंदिरों की, और उन मंदिरों की खासकर जो कि जर्जर अवस्था में हैं जहां पर सरकार द्वारा मरम्मत कार्य कराया जाएगा। इसके साथ साथ प्राचीन मंदिरों का के जो आने का रास्ता है, अगर वहां पर भी मरम्मत की आवश्यकता होगी तो सरकार उसको भी कराएगी। इसके साथ साथ सभी प्राचीन मंदिरों का एक डेटाबेस तैयार करके टूरिज्म की वेबसाइट पर डाला जाएगा। इसको लेकर सरकार बजट भी आवंटित कर रही है। लखनऊ में कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ नीलांशु शुक्ला।